एक तरफ भारत पीओके को वापस लेने की सोच रहा है और पाकिस्तान चाइना को एक समेत मिट्टी में मिलाने की सोच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालत खस्ता हुए हैं। जी हां, बता दें कि अभी अभी पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे माहौल बन चुके हैं, जिसकी वजह से वहां पर 56 लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान अपने ही लोगों को, अपने ही पुलिस को सही ढंग से नहीं चला पा रही है, तो ऐसे में वो पीओके पर क्या ही दावा ठोकेगी। बता दें आपको कि अमेरिका खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि भारत अपने हथियारों की जो पूरी तरीके से स्टॉक है वह बढ़ा दिया है। सिप्री की हाल ही में रिपोर्ट आई है कि विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार बढ़ोतरी भारत कर रहा है, और इन सभी चीज़ों के बीच पाकिस्तान इन सभी खबरों से पूरी तरीके से अनजान है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में LOC को लेकर के पूरी तरीके से बैठक हो चुकी है, जिसमें आर्मी चीफ अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री जैसे विशेष हस्तियां शामिल है। एक तरफ मीटिंग हो रही है LOC पे लेकर, एक तरफ POK में हमले की तैयारी भी लोगों द्वारा कही जा रही है, दूसरी तरफ POK के लोग खुद ही चाह रहे हैं कि भारत हमला करे। इन सभी चीज़ों के बीच पाकिस्तान का मिट्टी में मिलना पूरी तरीके से तय है। अगर भारत हमला नहीं करता है तो वह खुद ही हो जाएगा। यही नहीं, बता दें आपको कि POK के लोग खुद ही भारत के समर्थन में पाकिस्तान पे हमला बोलने वाले हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान की खटिया कभी भी खड़ी हो सकती है। वैसे आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करें।